हेलो नमस्कार दोस्तों, में आपका स्वागत है। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पानी बरसाया है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश ने गली मोहल्लों शहरों आदि की सड़कें को लबालब कर दिया है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कल से अब तक हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर अब भी जारी है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले उदयपुर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बरसात इतनी तेज थी कि बरसात शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही घरों में पानी आने लगा और कई घरों में बर्तन पानी तैरने लगे तो कई जगह लोगों में कुर्सियों और बेड तक पानी भर गया है। दोस्तों, बात करें बीकानेर जिले की तो बीकानेर शहर में कोटगेट, जूनागढ़, कलेक्ट्रेट परिसर, पब्लिक पार्क सहित अनेक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश से सड़कों पर पानी 1 फीट तक जमा हो गया है। KEM रोड पर भी तेज बारिश के कारण काफी पानी भर गया है। दोस्तों, जयपुर मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झालावाड़, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर बेल्ट में कहीं कहीं भयंकर बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर में 5 इंच रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह भीलवाड़ा के जेतपुरा में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, राजस्थान में अगले 7 दिन तक मानसून एक्टिव रहने के आसार भी बताए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान मौसम विभाग जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।